आज कई वर्षों के बाद पावागढ़ मां काली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है। सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है। कल्पना कर सकते हैं, 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद, 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने, हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है।
हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर मां महाकाली के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये अवसर सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीक है। साथियों, अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है। स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए देश के लिए समर्पित करता रहूं। गरबी गुजरात इस समय इस गरबी गुजरात की धरती से मां काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी स्मरण करता हूं। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बड़े इस कलेश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है।